बहरगंज पुलिस ने एक देसी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बहरगंज थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि खुटभार गांव के ओमकार सिंह के द्वारा फोन पर सूचना मिली कि 2 लोग मेरे घर पर आकर तमंचा लेकर मुझे धमका रहे हैं, जिसकी सूचना पर टीम खुटभार गांव पहुंची और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान नारस साहनी पुत्र राजेंद्र साहनी निवासी बहसुआ थाना बड़हलगंज और नागेंद्र साहनी पुत्र रामनवल साहनी निवासी ददरी थाना बड़हलगंज के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 1 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर पहले से ही थाने में कई मुकदमे पंजीकृत हैं और अभी आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह यादव, उपनिरीक्षक राजवीर सिंह यादव, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सोनी, कांस्टेबल विनोद शर्मा, सत्येंद्र भास्कर शामिल रहे। लिखा हुआ